और अब बात दिल्ली में होने जा रही G20 समिट की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 समिट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समिट में क्यों शामिल नहीं हो रहे? इसके पीछे एक वजह यूक्रेन युद्ध हो सकता है, लेकिन शी जिनपिंग के पास ऐसी कोई वजह नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या शी जिनपिंग दिल्ली में बन रही इंटरनेशनल रिंग से डर गए हैं, या उनके दिल्ली ना आने के पीछे LAC विवाद है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मेहमान होंगे, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शिरकत करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंच पर दिखेंगे, खाड़ी देशों से लेकर अर्जेंटीना तक और साउथ अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले देश 9 से 10 सितंबर को दिल्ली की धरती पर दुनिया के भावी भविष्य को लेकर मंथन करेंगे, आपसी साझेदारी की रणनीति पर चिंतन करेंगे। लेकिन इस तस्वीर से उलट एक और तस्वीर है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली आएंगे। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सैन्य ताकत माने जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 समिट में न शामिल होने की खबरों ने हलचल बढ़ा दी है। इसे लेकर अलग अलग थ्योरी पेश की जा रही है। दरअसल रूस की ओर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव G20 समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आ सकते हैं। 2 सितंबर यानी शनिवार को चीन की ओर से जानकारी दी गई कि शी जिनपिंग G20 की बैठक में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। चीन के इस कदम को भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जारी गतिरोध से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध कम नहीं हुआ है। इस बीच चीन ने नया नक्शा जारी कर इस विवाद को और हवा दे दी है। नए नक्शे में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। ऐसे में हालिया विवाद को G20 समिट से शी जिनपिंग के दूर रहने की बड़ी वजह माना जा रहा है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत न आने को लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिल्ली आने में असमर्थता जाहिर की और बताया कि उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूसी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी बात रखी थी। पुतिन के भारत न आने के पीछे यूक्रेन युद्ध को बड़ी वजह माना जा रहा है। एक दलील ये भी है कि चीन और रूस के दिल्ली में हो रही G20 समिट में न आने से दोनों देशों का पक्ष कमजोर होगा। हालांकि रूस और चीन के राष्ट्रपति के दिल्ली न आने से हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ी चुनौती तैयार होने की संभावना बेहद कम है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।